सरों का। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेजर ध्यानचंद की जयंती पर झांसी के दौरे पर रहेंगे, जहां वे 2009 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री दोपहर 1:50 पर पुलिस लाइन पहुंचेंगे और यहां से कचहरी चौराहा स्थित शिक्षा भवन में नवनिर्मित लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद लक्ष्मीबाई पार्क में मेजर ध्यानचंद की 25 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण करेंगे। साथ ही पार्क में बनाए गए देश के पहले हॉकी म्यूजियम का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सीएम 2:25 पर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंचेंगे और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही हॉकी ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे और खेल दिवस पर होने वाले हॉकी मैच का भी शुभारंभ करेंगे। बता दें, झांसी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां वो तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे हैं। वहीं सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तैयारियां भरपूर की गई हैं। वहीं 2009 करोड़ की परियोजनाओं की आज सौगात भी देंगे। हमारे झांसी के लिए बहुत गौरव की बात है, नेशनल स्पोर्ट्स डे भी है मेजर ध्यानचंद जी की जन्मतिथि के अवसर पर। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उनका आगमन हो रहा है और ये एक जो म्यूजियम अपने आप में एक ये बहुत ही यूनिक म्यूज़ियम है, जिसको कल डेडिकेट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। मेजर ध्यानचंद जी के ऊपर ये म्यूज़ियम, उनकी जीवन गाथा के ऊपर ये पूरा म्यूज़ियम बना हुआ है और ये ना केवल झांसी के लिए, ना केवल बुंदेलखंड के लिए, ना केवल प्रदेश के लिए, पूरे देश में एक ये बहुत ही अनूठा म्यूज़ियम है, जो कि हमारे देश के जो सबसे महत्वपूर्ण खेल जगत की हस्ती है उसके ऊपर ये म्यूज़ियम बना हुआ है। हम सब के लिए, पूरे जनपद के लिए बहुत गौरव की बात है। साथ ही हमारी जो लाइब्रेरी है, जिला लाइब्रेरी, ये दोनों प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी से बने हुए हैं, उसका भी कल उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। वो भी अपने आप में एक बहुत अनूठा प्रोजेक्ट है, वैसा शायद ही पूरे देश में कोई प्रोजेक्ट हो जिसके, जो कि नेट ज़ीरो एक लाइब्रेरी है, यानी कि वो जितनी ऊर्जा की खपत करती है उससे अधिक ऊर्जा वो सोलर पैनल्स के माध्यम से वो ग्रिड में डाल रही है। और अंत में हमारे ध्यानचंद जी के नाम पर जो स्टेडियम है, सर गवर्नमेंट स्टेडियम है, वहाँ पर एक बृहद कार्यक्रम है। तो कल ये सारे कार्यक्रम प्रस्तावित हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। आज झांसी दौरे पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जहां वो तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ झांसी से हमारे सहयोगी भारत हमसे जुड़ चुके हैं। भारत, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं, आज वो झांसी पहुंचेंगे। कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा और क्या कुछ उनके कार्यक्रम, पूरा शेड्यूल क्या होने वाला है? जी बिल्कुल मयूरी, मैं आपको बता दूं कि यह पूरा कार्यक्रम सीएम योगी का आज झांसी होने वाला है और यह उनका दौरा बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा देश आज खेल की दुनिया में डूबा हुआ है और आज खेल दिवस के रूप में मनाता है। तो जो झांसी से मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर माने जाते थे, उनका आज जन्मोत्सव है और इसी दौरान वह झांसी आ रहे हैं और कई करोड़ की परियोजनाओं का यहाँ वह लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। जी भारत, जैसा अभी आपने बताया कि विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, तो क्या क्या सौगात मिल सकती है झांसी की जनता को? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सीएम योगी एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करने वाले हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को बहुत अहम जो जानकारी है वहां मिलने वाली है। उसके बाद वह सीधा रानी लक्ष्मीबाई पार्क पहुंचेंगे, जहां करीब 25 फीट लंबी बनाई गई प्रतिमा जो मेजर ध्यानचंद की है उसका अनावरण करेंगे और कहीं ना कहीं एक म्यूजियम भी जो झांसी में बनाया गया है, वह देश का पहला म्यूजियम है जिस सारी जानकारी लोगों को मिल सकेगी, उसका भी अनावरण करेंगे। जी भारत, सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब से यह प्रोटोकॉल जारी हुआ है, DIG और मंडल आयुक्त तो सीधा अपने हाथ में कमान संभाले हुए हैं। सीएम योगी करीब 1:25 पर झांसी पहुंचने वाले हैं। जी भारत, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ और कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे, क्या इसकी कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे प्रदेश की मुखिया झांसी पहुंचेंगे और आज एक अहम दिन झांसी वासियों के लिए है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्मोत्सव है उसको मनाया जा रहा है और यहाँ पर जो खिलाड़ी है उनको भी सम्मानित किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं जो विभिन्न पार्टी के नेता हैं वो इधर पहुंचने वाले हैं, सांसद यहाँ मौजूद होने वाले हैं और काफी लोग यहाँ जो है वो पहुंचेंगे। जी
सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी में कब तक रुकेंगे भारत, क्या इसकी कोई जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यह कार्यक्रम उनका काफी लंबा 2 घंटे का कार्यक्रम बनाया गया है, 2 घंटे का प्रोटोकॉल जारी किया गया है, उसके बाद सीएम योगी यहां से निकलेंगे और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश से सटे दतिया जिला जो मध्य प्रदेश में है उस पर जाकर माँ पीताम्बरा के भी वो दर्शन कर सकते हैं। जी जी धन्यवाद भारत हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी के दौरे पर रहेंगे जहां वो परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री दोपहर 1:50 पर पुलिस लाइन पहुंच जाएंगे और यहां से कचहरी चौराहा से शिक्षा भवन में नवनिर्मित लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे। तो आज झांसी की जनता को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, सुरक्षा के इंतजाम भी भरपूर किए गए हैं। तो आज तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे हैं। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंचेंगे जहां वहां की जनता को आज बड़ी सौगात मिल सकती है। बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिवों की आज अहम बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि आज शाम को बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होगी जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन होगा, साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है जिसमें आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक होगी जिसमें तमाम रणनीति बनाई जाएगी, तमाम मुद्दों को लेकर मंथन किया जाएगा। तो आज शाम को बीजेपी कार्यालय में ये बड़ी बैठक होगी। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि आगामी चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसी को लेकर आज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की यह अहम बैठक होनी जा रही है। बताया जा रहा है कि आज शाम को बीजेपी कार्यालय में ये बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन होगा, साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों को भी लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो बता दें कि ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसी को लेकर लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं आज बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक होनी है और चुनाव से पहले यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है, काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसमें रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बैठक में क्या मंथन किया जाएगा, क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी क्योंकि आगामी चुनाव काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। तो बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिवों की आज अहम बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि आज शाम को बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये अहम बैठक मानी जा रही है जिसमें आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर मंथन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी। तो बता दें कि ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसी कड़ी में आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है और ये बैठक चुनाव से पहले काफी अहम मानी जा रही है। बता दें आज शाम को बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होगी जिसमें तमाम विषयों को लेकर मंथन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी क्योंकि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती और इसी को लेकर आज बीजेपी मुख्यालय में ये बड़ी बैठक होगी जिसमें तमाम विषयों को लेकर चर्चा किया जाएगा, तमाम विषयों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिवों की ये अहम बैठक मानी जा रही है। आज शाम को बीजेपी मुख्यालय में ये बड़ी बैठक होगी, चुनाव से पहले ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि तमाम विषयों को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन होगा, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को भी लेकर चर्चा की जाएगी, पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा की जाएगी। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है और इस खबर पर इस जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक देखिए, चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की आज अहम बैठक होने जा रही है, किस तरह से इस बैठक को जाए देखा जाए, कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक? देखिए अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिवों की एक अहम बैठक होने वाली है और आज शाम बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक होगी। बीजेपी के बात की जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर
और अनेक राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर रणनीतियों पर मंथन होगा। किस रणनीति के तहत इस बार भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों के चुनाव में फतह हासिल कर सके। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव की आज अहम बैठक है, इसमें बाकायदा इस बात की भी चर्चा की जाएगी कि किन किन विधानसभा क्षेत्रों या फिर किन किन लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ मजबूत है और किन क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ जो है वो पहले की बात कमजोर साबित हुई है। ऐसे में कई और निर्णय इस बैठक में शामिल किए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं। और जिस तरीके से लगातार हम जानते हैं कि चुनावों के लिए सक्रियता भारतीय जनता पार्टी दिखाती है, ऐसे में ये बैठक काफी अहम होने वाली है संगठन के लिहाज से और पार्टी के लिहाज से। विवेक, देखा जाए चुनाव में सीधी टक्कर वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है वहीं समाजवादी पार्टी भी अब कोई कसर छोड़ती नहीं नजर आ रही है, तो देखा जाए आगे की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प होने वाली है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बात करें अभी गोष्ठी विधानसभा उपचुनाव की तो वहाँ 1-2-1 की टक्कर है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से लगातार आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों का मंथन हो रहा है, भाजपा और सपा लगातार एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं, यही नहीं विपक्षी गठबंधन INDIA के बैनर के तले कई पार्टियां आ चुकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा का चुनाव एक अलग एंगल से तैयार होगा। पहले की बात 1-2-1 फाइट किसी से नहीं देखने को मिलेगी, जहाँ एक तरफ सत्ताधारी पार्टी जो पिछले 9 सालों से केंद्र की सरकार में है, दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के तहत कई ऐसी पार्टियां हैं जो इस बार सत्ताधारी पार्टी को ढेरों चुनौतियां देने का काम कर रहे हैं। लगभग 180 सीट पर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में इन्हें टैकल करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीतने का दावा जो है समाजवादी पार्टी भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। मयूरी जी धन्यवाद विवेक हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि लगातार चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज बड़ी बैठक होने जा रही है आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर और लोकसभा चुनावों को लेकर, जिसमें मंथन किया जाएगा और रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव होगा और यह प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक दिखाई पड़ेगा। इसमें हर जाति और धर्म के लोगों के साथ ही युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि संगठनात्मक ढांचे में कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर की घोषणाओं की छाप दिखेगी। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश के कार्यकारिणी की घोषणा करने के पहले जिलेवार समीक्षा शुरू कर दी है, साथ ही वह पूरी तरह से उदयपुर चिंतन शिविर में लिए गए संकल्पों को पूरा करने की तैयारी में है। इसके तहत संगठनात्मक ढांचे में युवाओं को तरजीह मिलेगी, साथ ही जाति और वर्गवार सभी की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। तो बता दें सक्रिय रहने वालों को जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने जिलेवार समीक्षा शुरू कर दी है, प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा से पहले समीक्षा शुरू की है। कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव होगा, तो आप देखिए चुनाव को देखते हुए जहां भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं अब कांग्रेस भी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है, लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और तैयारियां आप देखने को मिल रही है। कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, सक्रिय रहने वालों को जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने जिलेवार समीक्षा शुरू कर दी है, प्रदेश अध्यक्ष ने कमान संभालते ही काम शुरू कर दिया है, तैयारियां शुरू कर दी हैं। लगातार प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। बता दें कि सक्रिय रहने वालों को जिम्मेदारी दी जाएगी, संगठन में बदलाव किया जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष ने जिलेवार समीक्षा शुरू कर दी है। कांग्रेस संगठन में बदलाव होगा, तो कांग्रेस के संगठन ढांचे में बड़ा बदलाव होगा, यह प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक दिखाई पड़ेगा। इसमें हर जाति और धर्म के लोगों के साथ युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि संगठनात्मक ढांचे में कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर की घोषणाओं की छाप दिखेगी।
और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जब से कमान संभाला है लगातार वो तैयारियों में जुटे हुए हैं, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही, कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से? जी बिल्कुल मयूरी, अगर बात की जाए तो कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जब से प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाले हैं, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो उनकी सक्रियता कहीं ना कहीं एक अव्वल नजर पे नजर आ रही है। साथ ही अगर बात की जाए तो अगर देखें तो अजय राय अलग अलग जो जिले के तमाम जिम्मेदार हैं, जिला अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, उनसे कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक करके और आने वाले दिनों में प्रदेश के अलग में 75 जिलों के अंदर में जिलाध्यक्षों के नाम बदलने की कवायद तेज हो गई है। साथ ही अगर मेरी बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी 2024 से पहले कहीं ना कहीं अपने खोए हुए जमीन को तलाशने के लिए हर एक प्रयास कर रही है। उसी क्रम में अब संगठन के अंदर में बड़े बदलाव के कहीं ना कहीं आसार देखने को मिल रहे हैं। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के उन सीटों पर, उन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से फोकस कर रही है जहां 2019 के या 2014 के चुनाव में कांग्रेस को जीत नहीं मिली थी, मगर जीत का जो मार्जिन था वो बेहद कम था। साथ ही अगर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अगर देखें तो प्रदेश की कमान संभालने के बाद कांग्रेस की जो जमीन है उसको तलाशने के साथ साथ कांग्रेस के अंदर में जान फूंकने का हर एक मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। जहां एक वक्त देखा आपने कि उनके प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद सबसे पहले वो मीडिया पैनलिस्ट की एक नई सूची आती है जिसमें प्रवक्ता साथ ही साथ पैनलिस्टों की नाम का ऐलान होता है। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो अब प्रदेश के तमाम पदों पर भी नए सिरे संगठन का गठन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के जो अलग अलग जिले हैं वहां के तमाम पदों पर नए सक्रिय कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी देने की कांग्रेस तैयारी में है। साथ ही जब बात की जाए तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके इंटरनली तरीके से कहीं ना कहीं एक सर्वे शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में संगठन में बड़े बदलाव के आसार दिखाई दे रहे हैं। जी वासु, देखिए कांग्रेस जाति और धर्म के लोगों के साथ साथ युवाओं की भागीदारी बढ़ाने जा रही है, इससे क्या कुछ फायदा हो सकता है, क्या कुछ रणनीति? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी साफ तौर से अगर देखे तो इस बार जब संगठन का बदलाव करें, जिसकी बात करें तो पुराने फार्मूले को पूरी तरह से बदल दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ प्रांतीय अध्यक्ष को जो जिम्मा था उसको पूरी तरह से भंग कर दिया गया है, नए को पूरी तरह से भंग कर दिया गया है। नए सिवे से संगठन का विस्तार कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में करने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के पास कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले समय कम है। तो उस आधार पर जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस पार्टी से लंबे अरसे से जुड़े हैं, उनको कहीं ना कहीं जिम्मेवारी देने की तैयारी में कांग्रेस है। अगर बात की जाए तो युवा, महिला और साथ ही साथ SC और OBC वर्ग को मुख्य रूप से कहीं ना कहीं जिलों की जिम्मेदारी देने की बातें सामने आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी मयूरी कि कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जिस जोश के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार फिर उत्तर प्रदेश में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, साथ ही अपने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की दावे कर रहे हैं, साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जहां से चुनाव लड़ेंगी उनके साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मजबूती से उनके लिए जमीर तैयार करेंगे। तो इससे साफ है कि उत्तर प्रदेश की उन सीटों पर कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरी तरह से संगठन को विस्तार करेगी और मजबूती से खड़ा करेगी, जहां 2019 के और 2014 के चुनाव में कम अंतर से, कम मार्जिन से हार मिली थी। साथ ही अगर बात की जाए तो पूर्व में जो सीटें कांग्रेस के पास रही हैं वहां पर संगठन में भारी बदलाव के आसार जताए जा रहे हैं। जी जी धन्यवाद से जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें प्रदेश अध्यक्ष ने जिलेवार समीक्षा शुरू कर दी है, लगातार एक्शन मोड में अब कांग्रेस भी नजर आ रही है। प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा के पहले समीक्षा की जा रही है, कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव होगा ये जानकारी सामने आ रही है। चुनाव को देखते हुए लगातार अब कांग्रेस भी तैयारियों में जुट चुकी है। तो बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज मऊ दौरा है, जहां वो घोसी विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। अखिलेश सपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। वहीं आज बापू इंटर कॉलेज मैदान में अखिलेश यादव पहुंचेंगे, जहां सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए जनसभा करेंगे। और चुनाव को देखते हुए
अब अखिलेश यादव मैदान में उतर चुके हैं, आज प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। लगातार घोसी उपचुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है, तैयारियों में जुटी हुई है। तो खुद आज सपा के प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश यादव समर्थन करते नजर आएंगे। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए आज जनसभा करेंगे। तो आज मऊ के दौरे पर अखिलेश यादव रहेंगे, जहां घोसी उपचुनाव में आज सपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। वहीं तो बता दें, मऊ में आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचेंगे, जहां वो घोसी विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार घोसी उपचुनाव को देखते हुए एक्शन मोड में समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। सपा प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश की आज जनसभा होगी। आज बापू इंटर कॉलेज मैदान में पहुंचेंगे अखिलेश यादव, तो आज मऊ के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि घोसी उपचुनाव को देखते हुए आज जनसभा को संबोधित करेंगे, प्रचार करते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, चुनाव को देखते हुए आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मई दौरा है, जहां वो घोसी विधानसभा में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो घोसी के उपचुनाव में कहीं ना कहीं देखें तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पे है। दोनों दलों के बीच कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जहां अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के समर्थन में सरकार के कई मंत्री उप मुख्यमंत्री लगातार कहीं ना कहीं कन्विंसिंग यानी कि जनता से संवाद स्थापित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपील करने की बात कर रहे हैं। तो वही समाजवादी पार्टी खेमा भी इसमें पीछे नहीं है। अगर बात करें तो चुनाव के तिथियों के ऐलान के बाद से ही सपा वहां सक्रियता के साथ इस सीट को वापस से कहीं ना कहीं अपने पाले में करने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास कर रही है। साथ ही अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस बनने के बाद यह पहला चुनाव है उत्तर प्रदेश में जो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के तहत एक देखा जा रहा है, लड़ा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि आज अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के समर्थन में कहीं ना कहीं आज वोट मांगते हुए नजर आएंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव और प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव पहले से ही घोसी के कहीं ना मऊ के घोसी में मौजूद हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज मन से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह और भारतीय जनता पार्टी पर कहीं ना कहीं जमकर निशाना साधेंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो आने वाले 5 सितंबर को घोसी उपचुनाव का कहीं ना कहीं मतदान है और बात करें तो 8 सितंबर को मतगणना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज अखिलेश यादव मंच से जो घोसी की जनता है उससे किस तरह से संवाद स्थापित करते हैं। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं देखें तो दारा सिंह चौहान 20 महीनों के अपने समाजवादी पार्टी को सफर खत्म करके और भारतीय जनता पार्टी के खेमे को फिर से रिज्वाइन करते हैं, जिसके बाद वहां उपचुनाव होता है। अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के में वापसी करने के बाद से उन्हें उपचुनाव में फिर से उम्मीदवार बनाया जाता है। वहीं सुधाकर सिंह जो कि लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं उन पर सपा ने एक बार विश्वास जताया है और इन दोनों प्रत्याशियों के बीच कहीं ना कहीं मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है। इसी दरमियान अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी खेमे में कहीं ना कहीं जो उनके तमाम एनडीए के सहयोगी हैं, चाहे बात की जाए अपना दल एस हो, चाहे बात की जाए सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हो, ये तमाम दल कहीं ना कहीं मिलकर और भारतीय जनता पार्टी को ये सीट कब्जे में करने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की तरफ से अपील की गई थी तमाम विपक्षी दलों को कि वो आए और सपा का समर्थन करें, जिसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो अपना दल के और बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं पत्र जारी करके और अपने कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने की अपील की गई और कार्यकर्ताओं को वोट देने की कहीं ना कहीं अपील की गई, जिसके बाद से चुनाव ये कहीं ना कहीं एक रोमांचक स्थिति पर पहुंच चुका है। और देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया या एनडीए किसकी जीत होती है, वो नतीजों के बाद साफ होगा। जी
विवांशु देखिए, आज अखिलेश यादव घोसी विधानसभा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। वहीं अब जानकारी सामने आ रही है कि 2 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करने जाएंगे, तो अब लड़ाई बेहद ही दिलचस्प होने वाली है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मंच से तमाम दावे वादे करते हुए नजर आएंगे, साथ ही साथ केंद्र व राज्य सरकार की जो कमियां हैं उसको गिनाते हुए नजर आएंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो सपा से बगावत करके और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले और भाजपा के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को भी लेकर कई बड़े आरोप लगा सकते हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो इसके ठीक बाद अगर देखें तो 2 सितंबर को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं दारा सिंह चौहान के समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए तो प्रदेश भर की निगाहें घोसी के उपचुनाव पे है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में दाव पे लगी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि तमाम जो घोसी विधानसभा के मतदाता हैं उनका विश्वास किधर रहता है, किस तरफ जाता है, वो तो नतीजों के बाद साफ होगा। जी विवांशु, जिस तरह से विपक्षी दलों का महागठबंधन हुआ है तो ये चुनाव में उपचुनाव में देखने वाली बात होगी, कहीं ना कहीं ये बड़ा टेस्ट होगा विपक्षी दलों के लिए। विवांशु से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बता दें कि सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए आज चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। तो बता दें बेहद ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। आज मऊ के दौरे पर अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, जहां वो समर्थन में वोट मांगेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दौरा है घोसी विधानसभा में, चुनाव प्रचार अखिलेश यादव करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मऊ दौरा है, जहां वह सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।